आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है बोर्ड का एग्जाम शिक्षा शास्त्र, देख रहे ना, तो बिल्कुल हूबहू ऐसा ही पेपर आएगा 2024 में। जब आप परीक्षा देने बैठेंगे, पेपर पाएंगे, तो बिल्कुल हूबहू ऐसा ही पेपर आएगा। बहुत से बच्चों का डिमांड था कि सर 23, 22, 23 का पेपर दीजिए, बोर्ड का पेपर किस मॉडल का आता है, तो आप देख रहे हैं ना पेपर कोड है 327 GB। ये आपको पेपर जो कॉपी मिलेगा उस कवर पृष्ठ पर इसको भरना होता है आपका ना। अब विषय शिक्षा शास्त्र है, 3 घंटे 15 मिनट पूर्णांक 100 का, देख रहे हैं ना। बिल्कुल अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और इतना शेयर करना, इतना शेयर करना वीडियो को कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। बहुत से प्री बोर्ड पेपर आपको पहले से डाले गए हैं, बोर्ड एग्जाम के पेपर डाले गए हैं, और जल्द से जल्द कई सेट में प्री बोर्ड के पेपर आपको मिलने वाले हैं। उससे लाभ होगा कि अगर आप पूरा तैयारी करते हैं, पूरा जितना पेपर डालते हैं सेट 1 सेट 2 सेट 3, तो बहुत से क्वेश्चन आपके मैच कर जाएंगे, किसी प्रकार का डर भय नहीं लगेगा, पूरा आपका तैयार हो जाएगा। निर्देश हम नहीं पढ़ेंगे, देख रहे हैं ना पेपर आपको दिखाई दे रहा है, निर्देश टर्न ओवर है, प्लीज़ टर्न ओवर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस पेज में इसी का अंग्रेजी निर्देश है, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना। बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न खंड में 4 उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से केवल सही है, सही उत्तर पर अपनी उत्तर लिखिए। निम्नलिखित में से प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, देख रहे हैं ना, इसमें से 4 विकल्प है जो सही हो। निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है, जन्मजात भूख क्रोध प्रशंसा प्यार, जन्मजात नहीं है कौन, तो प्रशंसा जन्मजात नहीं है, देख रहे ना। अब इस तरह से अपना लगाएंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा है, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा आग सूखा बाढ़, इनमें से सभी, देख रहे ना, प्राकृतिक आपदा सभी है, ये सभी है। बुद्ध के द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, 4 विकल्प है जो सही होंगे लिखेंगे। बिस्मिल्लाह रस्म संबंधित हैं, देख रहे हैं ना। अगला है, इसी का इंग्लिश में वर्जन किया गया है, अब इसको आगे है टर्नओवर, देख रहे हैं, पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है, शेयर करना है अधिक से अधिक। और यह अगर यह क्वेश्चन वीडियो पूरा देखते हैं, सभी पेपर आप कंप्लीट कर लेते हैं सभी प्रश्नों को, तो ये निश्चित मान के चलिए कि आपका 15 से 20 नंबर तक का क्वेश्चन बिल्कुल इसी में से मैच कर जाएगा, मिल जाएगा। नहीं तो कम से कम धीर होती अगर फंस गए आपके तो 50 अंक आपके मिल सकते हैं। रुचि के किसी एक प्रकार का नाम लिखिए, छात्र को कक्षा से बाहर निकालना किस प्रकार का दंड है, स्त्री शिक्षा की किसी एक समस्या का नाम लिखिए। आगे है फिर टर्न ओवर, देख रहे हैं ना, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देख रहे हैं ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम लिखिए, हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला है, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है, अति लघुतरी प्रश्न है, देख रहे हैं ना। सामाजिक शिक्षा की उपयोगिता का वर्णन कीजिए, देख रहे हैं ना। 7वां है, इसी का नीचे इंग्लिश में लिखा गया उसी का। अगला है 8वां क्वेश्चन, प्रौढ़ शिक्षा के किन्हीं दो उद्देश्यों का नाम, प्रौढ़ शिक्षा के किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 10वां, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है 11वां है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नैदानिक उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघुत्री है, बिल्कुल सभी पूरा देखना है, बहुत मैच करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, निश्चित रूप से आपका भला होने वाला है वीडियो को अगर आप देखते हैं तो। अधिगम शब्द को परिभाषित कीजिए, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, स्त्री शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए, देख रहे हैं ना, स्त्री शिक्षा पर महत्व प्रकाश डालिए। गांधी जी के शैक्षिक दर्शन संबंधी आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, देख रहे ना, बौद्धकालीन शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए, देख रहे ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल आप टॉप करने वाले हैं सन 24 में, बिल्कुल यही क्वेश्चन में बहुत रिपीट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। बुद्ध का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, पंडित मदन मोहन मालवीय के पाठ्यचर्या संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए, देख रहे ना।
विस्तृत उत्तरी है। रुचि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करने वाले महत्वपूर्ण विधियों का वर्णन कीजिए। देख रहे हैं ना। अथवा आगे है फिर, प्रेरणा से आप क्या समझते हैं, प्रेरणा से आप क्या समझते हैं, सीखने में प्रेरणा की क्या भूमिका का वर्णन कीजिए। उनसवा देख रहे ना। अब है आठवां करके फिर इसमें है अगला का है, अगला अब लिखे देख रहे हैं क्वेश्चन, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। मानसिक स्वास्थ्य के कारकों का वर्णन कीजिए। शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का क्या महत्व है, विवेचना कीजिए। देख रहे ना। फिर है शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का क्या महत्व है। पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण प्रकाश डालिए। प्राकृतिक आपदा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। किन्हीं दो प्राकृतिक आपदाओं के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। देख रहे हैं ना। अरे भाई, वर्षा है, भूस्खलन है, भूकंप है, बहुत है। अगला है 21वां, उसी का अंग्रेजी में लिखा गया है। देख रहे हैं ना, 21 क्वेश्चन आगे लिखा गया है। टर्नओवर आगे पलटते हैं, देखिए क्या है। बिल्कुल सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको, अंग्रेजी में लिखा गया है। यदि आपको देख रहे हैं ना, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।